बाहर हो रही है काफी अच्छी बारिश और ये एक बहुत अच्छा समय है व्लॉग स्टार्ट करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मौसम काफी शानदार था तो हमने इसको बना लिया व्लॉगिंग डे, और हम निकलने वाले थे कहीं दूर मगर बारिश के कारण अब थोड़ा सा विचार बदल गया है और अजमेर भ्रमण पर निकले हैं। मेरे साथ है अजय। हेलो। सो हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बी द चेंज। और आज काफ़ी अच्छा मौसम था तो अभी लगभग बज रहे हैं शाम के 5 और थोड़ा सोचा था कि बाहर जाएंगे। अब ऐसे में मैं आपको सिटी तो अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा कि मतलब उतर के कहीं पर और आपको जगह जगह दिखा पाऊँ, मगर हाँ गाड़ी से मैं आपको काफ़ी कुछ जगहों पर घुमा दूंगा और अजमेर के बारे में काफ़ी कुछ बता दूंगा। और ये आ गया है चौपाटी अजमेर का, और जो आप देख पा रहे हैं वो है आना सागर झील। और अगर थोड़ा सा सामने दिख रहा है जहाँ पे आपको पहाड़ में थोड़ा सा इस जगह पे, तो यहाँ पर है पुष्कर घाटी जहाँ से पुष्कर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। अभी इस वक्त हम चल रहे हैं वैशाली नगर के अंदर अजमेर के। एक बात तो है कि हम अपने शहर से कितना भी दूर चले जाएं, पर जो सुकून हमें अपने शहर में मिलता है वो और कहीं भी नहीं मिलता। और बारिश में जो घूमने का मज़ा है वो किसी बड़ी सिटी में नहीं है जितना हमारी छोटी सिटीज़ के अंदर होता है। उसका एक रीज़न होता है, बड़ी सिटीज़ में बहुत ट्रैफिक और अचानक से लोग बहुत सारे बाहर आ जाते हैं और बस भीड़ भाड़ और ये सब, और यहाँ पे सुकून ही सुकून है यार, सुकून ही सुकून है। और अभी हम जिस साइड जा रहे हैं, अभी मैंने आपको जो दिखाई थी गाड़ी से वो थी चौपाटी, मतलब पुरानी चौपाटी। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो आने वाली है नई चौपाटी। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. अजय की गाड़ी है बलेनो। पर्सनली वैसे देखा जाए तो काफ़ी कंफर्ट को लेकर के और डिज़ाइन को लेकर के, इसके लुक्स को लेकर के फेमस भी है और काफ़ी अच्छी भी गाड़ी है। अजय, आपका एक्सपीरियंस गाड़ी से कैसा रहा भाई? गाड़ी काफ़ी अच्छी है, एवरेज वगैरह काफ़ी सही है इस गाड़ी का। इसका सबसे पसंदीदा फीचर बता भाई। इसका म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा है, म्यूज़िक सिस्टम और जो एसी है वो भी काफ़ी अच्छा है इसका। हम नई चौपाटी पर आ चुके हैं और थोड़ा सा बारिश कम लग रही है तो हम अब उतर के जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं आना सागर लेक। ओहो, बारिश के अंदर गीला गीला, और सबसे मुश्किल टास्क यही होता है कि इस पे से जंप मारते हुए जाना। तो जो चौपाटी के एग्जैक्ट सामने आता है वो है रीजनल कॉलेज, और ये है पुष्कर रोड। अगर हम यहाँ से सीधा जाकर के राइट मुड़ते हैं तो पुष्कर आ जाता है। अभी बारिश के दिनों में आना सागर झील की जो गेट्स हैं, इसके अंदर कम से कम 3 से 4 गेट हैं जो कि खोल दिए जाते हैं ताकि पानी का जो लेवल है वो कम हो जाए। तो अभी 3 से 4 दिन पहले गेट्स वगैरह खोल दिए गए थे तो उससे ये पानी का लेवल कम हो गया है और लोग यहाँ से वहाँ तक जा पा रहे हैं, वरना ये काफ़ी ऊपर तक भरा हुआ था। आप कहीं पब्लिक प्लेस पर जाते हैं और अपने आसपास देखते हैं कि बाकी लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, तो ऐसे में एक मेरी बहुत अच्छी एडवाइस आपके लिए काम आएगी, अगर उन्होंने नहीं लगा रखा है तो आप लगा लीजिए वरना अगर एक बार कोरोना ने आपको छू दिया तो ना आप पब्लिक प्लेस पे घूमने लायक रहेंगे, ना आप शॉपिंग कर पाएंगे, ना आप अपना पसंद का कुछ खा पाएंगे। तो बेटर होगा कि अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का यूज़ करिए। मैं यहाँ से शुरू करूँ आना सागर झील के, तो हम नई चौपाटी पे इस वक्त खड़े हुए हैं और मेरे सामने जो आपको ये दिख रहा है ये है मित्तल हॉस्पिटल। तो अजमेर का काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है,
इसका काफ़ी नाम है। फिर जो सामने आपको एक टावर दिख रहा होगा उधर, वो है तारागढ़। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये है ऊंचाई पे जो आपको एरिया दिख रहा है, इस जगह पर काफ़ी लोग रहते हैं। और यहाँ पे एक फेमस सा मंदिर है जिसका नाम है घाटी वाले बालाजी। और फिर हम सामने आते हैं और ये जो है, ये है मेरवाड़ा इस्टेट, और ये काफ़ी फेमस गेस्ट हाउस भी है और मैरिज गार्डन भी है। गार्डन कम लाइक पूरा हॉल, एसी हॉल वगैरह इसमें सब इंक्लूड है। और फिर हम इस साइड आते हैं, यहाँ पे आता है हमारा बजरंगगढ़। बजरंगगढ़ के बाद वहाँ से हम कनेक्ट करता हुआ सीधा वहाँ से ये राउंड लगा करके और अपनी गाड़ी तक, मतलब इस एरिया में वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली जो आना सागर झील बनी हुई है, उसके चारों तरफ रोड बना हुआ है, और अजमेर के बीचों बीच इस झील की खूबसूरती का कोई वाकई में तोड़ नहीं है। गॉगल्स पहन करके और व्लॉगिंग करने का एक अपना ही अलग मजा है। उसका रीजन ये है कि सामने जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, उनको पता नहीं लगता कि मैं उस वक्त कहाँ देख रहा हूँ। ऑल दो ये तो फिर भी लाइट शेड के हैं, जो मेरे पास ब्लैक गॉगल्स हैं उसमें कई बार मैं इधर या उधर देख रहा होता हूँ, और आप लोगों को लग रहा होता है कि मैं कैमरे में ही देख रहा होता हूँ। ये मैंने बहुत बड़ा सीक्रेट मेरा बता दिया है, तो आप इसमें पॉइंट आउट नहीं करिएगा। वर्ल्ड से, जगह जगह से हमारे अजमेर सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं हर साल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजमेर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिटी है। अजमेर के अंदर अगर आप घूमना चाहेंगे तो आप घूम सकते हैं, जैसे कि तारागढ़ हुआ, पृथ्वीराज स्मारक हुआ, या फिर ढाई दिन का झोपड़ा हुआ, आना सागर लेक हुई, बजरंगगढ़ हुआ, नारेली हुआ, और भी ऐसी कई जगह हैं, चौपाटी हुई, फिर आप पुष्कर जा सकते हैं। ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां पे आप अजमेर के अंदर घूम सकते हैं और अजमेर कवर कर सकते हैं। अभी हम जहां जा रहे हैं तो वो जगह है, एकदम खुला सा एरिया है, बहुत शांति है उस जगह पर। फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जिस जगह के बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये जो जगह है, ये अजमेर के एक कोने के अंदर है, बिल्कुल मतलब एक कोने में बोलूँ तो एक किसी सिटी का एक कोना प्रॉपर, तो ये एकदम कोने में है। और इस जगह में वाकई में बहुत सुकून मिलता है जब भी हम आते हैं, क्योंकि इस जगह पे दूर दूर तक हमें लोग नहीं दिखते हैं, और दिखते भी हैं तो वो सब अपने अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। तो हम लोग आते हैं, अपना थोड़ा सा रुकते हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट रुक करके, और वापस यहाँ से हमेशा निकल जाते हैं। मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे होंगे, तो अजमेर सिटी जो है वो पूरी पहाड़ से, मतलब चारों तरफ से कवर है, और ये ही इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। अगर आपने राजस्थान में अरावली हिल्स के बारे में सुना हो तो ये अरावली हिल्स में ही कवर होते हैं, जो मेरे पीछे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। तो मेरे पीछे जितना भी आपको दूर दूर तक ज़मीन दिख रही है, ये प्लॉट्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले लक्की ड्रॉ के थ्रू लोगों को दिए थे। सर, यहाँ पर ड्राइविंग स्किल्स वगैरह अपनी इम्प्रूव करने आते हैं और ड्राइविंग वगैरह सीखने आते हैं, क्योंकि ये जगह एकदम खाली है और सामने आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी छोटी छोटी, या मे बी नहीं दिख रही होंगी। सर, ऐसी जगहों पर आने के बाद मैं अपने दिल की कलम को उठा लेता हूँ और कुछ ना कुछ लिख बैठता हूँ। मेरा जो इंस्टा का यूज़र नेम है वो मैंने अभी अभी रिसेंटली चेंज करा है, नाउ इट्स Pradeep_Inc। तो आप जाकर के मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और मुझसे वहाँ जाकर के भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाहर की किसी सिटी से हैं और आपको अजमेर के बारे में मेरे से सुन करके अच्छा लगा है, तो मेरे हिसाब से आपको अजमेर एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो अभी हमें लगभग यहाँ पर 5-10 मिनट हो गई है, और बस हम यहाँ पर इतना सा ही टाइम स्पेंड करने हमेशा आते हैं, और अब हम यहाँ से अपने घरों की तरफ जाएंगे। बाय द वे, जो मैंने इस वक्त मास्क पहना हुआ है, और इस मास्क का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यह है कि जब आपको इसको नहीं पहनना है तो आपको इसको छूने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको उतार के और अपने गले में ऐसे टांग सकते हैं। और अगर आप भी ये सेम मास्क लेना चाहते हैं तो आप अमेज़ोन पे जाकर के ट्रैक पैक मास्क नाम से सर्च कर सकते हैं। आपकी जो ये मास्क वाली शॉपिंग है, इसको मैं थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और
ये जो मास्क है आपको दो क्वालिटी में अवेलेबल होंगे, एक तो 3 ply में होगा और 6 ply में होगा।